नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो खासकर होम ट्यूटर्स के लिए है, गृह शिक्षकों के लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि होम ट्यूटर्स को अपने प्रोफेशन में किस तरह की स्थितियों को झेलना पड़ता है, किस तरह की परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है, अभिभावकों की सोच क्या होती है गृह शिक्षकों के प्रति या होम ट्यूटर्स के प्रति, और ऐसी सोच क्यों होती है, और यह गृह शिक्षा जिसको कि होम ट्यूशन कहते हैं, इसमें शिक्षा के दलाल जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्यूशन ब्यूरो कहा जाता है कि क्या भूमिका है। सबसे पहले शिक्षकों की बात करें जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन तक तो होती ही है, उससे भी अधिक शिक्षा वाले होम ट्यूटर्स हैं। और अब बात करते हैं शिक्षा के दलालों या ट्यूशन ब्यूरो के संचालकों की शैक्षिक योग्यता और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में। किसी भी शहर के अधिकांश ट्यूशन ब्यूरो के जो संचालक हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता बहुत ही कम होती है। शैक्षिक योग्यता के जगह पे मैं शैक्षिक सामर्थ्य कहना सही समझूंगा, क्योंकि शैक्षिक योग्यता हासिल करना कितना आसान है, डिग्री ले लेना कितना आसान है, ये आप जानते हैं। पर जो शैक्षिक सामर्थ्य होती है वह प्रायः इनके पास न के बराबर होती है, क्योंकि एक ब्यूरो एक कोचिंग से कम ही कमाता है। अगर इनकी शैक्षिक सामर्थ्य होती तो ब्यूरो न ही चलाते, या ब्यूरो चलाने के साथ साथ कोचिंग भी चलाते या खुद भी ट्यूशन पढ़ाते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दलाली कर सकते हैं अधिकांश, मैं ये जरूर मानूंगा कि सारे नहीं, अधिकांश संचालक ब्यूरो के बिल्कुल शैक्षिक सामर्थ्य से दूर होते हैं। गार्जियंस की बात की जाए तो प्रायः ट्यूशन में जो लोग जुड़े हैं, चाहे ट्यूटर चाहे ब्यूरो, वो इंग्लिश मीडियम के ही बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें उनको फीस ठीक ठाक मिलती है। और ऐसे में गार्जियंस की जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि आज इंग्लिश मीडियम में उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जो संपन्न हैं। अब ये तीनों का जो ट्रायंगल बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है? अगर आप ट्यूटर हैं तो आपको जो ट्यूशन मिलते हैं उसके लिए आपके कई स्रोत हो सकते हैं, लेकिन आजकल ब्यूरो भी एक स्रोत हो गया है ट्यूशन पाने का। बहुत हद तक संभव है कि आप ब्यूरो के संपर्क में हों और ब्यूरो से ट्यूशन लेते हों। ब्यूरो के पास ट्यूशन कैसे आते हैं? ब्यूरो कई तरह से हाथ पांव मारता है ट्यूशन पाने के लिए। ये प्रायः लड़कियों को अपने यहां नियुक्त कर लेता है फोन करने के लिए। ये लड़कियां प्रायः बहुत कम शिक्षित होती हैं, हाई स्कूल इंटर तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी होती हैं, और इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब होती है। 3,000 रुपये महीने तक में ये काम कर लेती हैं। इनका काम होता है दिन भर फ़ोन करो गार्जियन को और ट्यूशन ले लो, ट्यूशन ले लो कहती रहो। इनको इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है ट्यूशंस ब्यूरो के द्वारा, और ये लड़कियां ट्यूशन बांटने के लिए या गार्जियन को ट्यूशन देने के लिए प्रायः गिड़गिड़ाती भी हैं। ऐसे में होता ये है कि अधिकांश गार्जियंस इन लड़कियों की बातों को, इन लड़कियों के कहने के तरीके को ब्यूरो का चेहरा समझ लेते हैं।
बल्कि ये कहिए कि इनकी गिड़गिड़ाहट उनको टीचर्स के चेहरे में नजर आने लगती है, वे टीचर्स को भी गरजू समझने लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सारे गार्जियंस ऐसे होते हैं, पर कुछ गार्जियंस या अधिकांश गार्जियंस इस गलतफहमी में हो जाते हैं कि यह गरज ट्यूशन ब्यूरो की नहीं है, सिर्फ ट्यूशन ब्यूरो की नहीं है, सिर्फ इन लड़कियों की नहीं है, बल्कि ट्यूटर्स की भी है। पर वास्तविकता यह है कि ट्यूटर्स की कोई गरज नहीं होती, क्योंकि किसी भी शहर में जितने होम ट्यूटर्स हैं उससे कई कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और एक टीचर 5-6 से ज़्यादा ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। स्कूल टाइम के बाद ही ट्यूशन पढ़ाना संभव होता है। 5 या 6 ट्यूशन्स के लिए टीचर्स कभी गरजू बन के नहीं पढ़ाता, कभी नीडी बन के नहीं पढ़ाता, कभी ज़रूरतमंद बन के नहीं पढ़ाता। हो सकता है कुछ लोग अपने को भी दयनीय मान लेते हों, कुछ टीचर्स, तो मेरा उनको यही सलाह है कि अपने को दयनीय न समझें। जो गार्जियंस आपके चेहरे में ब्यूरो का चेहरा देखते हैं या उन लड़कियों का चेहरा देखते हैं जो ट्यूशन ऑफर करने के लिए गिड़गिड़ाती हैं, ट्यूशन ले लो, तो अपना चेहरा वैसा न बनने दें, क्योंकि आपको ट्यूशन तो 5-6 मिल ही जाते हैं, 10 दिन लेट मिलेगा, 1 महीना लेट मिलेगा, लेकिन वही ट्यूशन पढ़ाएं जहां आपको सम्मान मिले। और प्रायः जो ट्यूशन ब्यूरो होते हैं इन लड़कियों को इस बात की हिदायत दे के रखते हैं कि अगर जितना ट्यूशन फाइनल करोगी उस हिसाब से तुमको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कुछ ब्यूरो तो इतने गिरे हुए होते हैं कि किसी भी शुल्क पर, किसी भी फीस पर ट्यूशन देने के लिए तैयार नज़र आते हैं। उनको इस बात से नहीं मतलब है कि जिस टीचर को हम भेज रहे हैं उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, और प्रायः वे बता देते हैं कि गार्जियन को गलत भी बता दीजिए, गार्जियन की आपकी मार्कशीट देखेंगे। और किसी भी फीस पर ब्यूरो टीचर्स को भेज देते हैं। और कुछ गार्जियंस बहुत ज़्यादा गलतफहमी में होते हैं, उनको लगता है कि वे ट्यूशन दे के, ट्यूशन पढ़वा के एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे गार्जियंस से अगर आपका संपर्क होता है तो आप उन्हें ट्यूशन ना ही पढ़ाएं, उनके बच्चों को ट्यूशन ना ही पढ़ाएं, क्योंकि 5-6 ट्यूशन तो आपको मिलने ही मिलने हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।